ये क्या सी क्वेश्चन है भाइयों। देखो इस आसान तरीके तो कोई भी करा दे तो मृत्यु बता दियो भाई। इस तो आसान तरीका नहीं हो सकता कोई। जैसे ये रेशियो मिल्क एंड वाटर है 66 लीटर्स, टोटल है 66 लीटर, रेशियो है 5:1 है। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू द मिक्सचर शुड द टू मेक द रेशियो मिल्क एंड वाटर 5:3 में। सिंपल है भाई, क्वेश्चन पढ़ो एक बार बढ़िया डाल, कोई दिक्कत नहीं आनी। टोटल है 66 लीटर है। थोड़ी भाई आत्म पकड़ रखा है, दिक्कत आओगी थोड़े दिनों में। अरेंजमेंट कर दिया जो ट्राईपोड स्टैंड हुआ है तो वो थोड़ा काम चलाओ। नहीं है, टोटल है 66 लीटर, 66 लीटर है। और रेशियो कितनी है भाई, 5:1। तो हमारे पास मिल्क की रेशियो 5, तो मिल्क कितना आएगा इसमें 5/5 इन रेशियो का भाई टोटल आया नीचे, ठीक है। तो यह आ जाएगा हमारे पास मिल्क की क्वांटिटी लीटर में। तो 6 ने 11 तक करेगा, 11×5 55 लीटर है भाई हमारे पास मिल्क। तो 55 लीटर हो गया मिल्क, बच गया कितना 11 लीटर बच गया हमारे पास वाटर। तो इस नंबर तक करेगा हाउ मच वाटर शुड बी एडिड टू द मिक्सचर टू मेक द रेशियो मिल्क एंड वाटर 5:3। रेशियो बनानी है भाई हमने 5:3, ये सिंपल सी बात है। तो ऊपर वाला मिल्क है, निचले वाटर है, इसने कहा भाई कितना वाटर ऐड करें कि हमारी रेशियो 5:3 बन जाए। बस सिंपल सॉल्व करना भाई, और कुछ नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई करनी आवे तो ना सर ने 55 × 3, और इसने यहाँ करेंगे 5×11+x, इसमें 55 × 15 × 16 = 65 / 55 + 5x, एक्स की वैल्यू आ जाएगी सोल्व करके 22। तो 22 लीटर जब हम ऐड करेंगे वाटर इसमें तो इसकी रेशियो हो जाएगी 5:3, आंसर 22 लीटर है भाई। कति आसान है, अगला क्वेश्चन कति सेम है। नुका नुकर के देखिए, ना हो तो कोई बताइए पीछे भाई। जितने भी क्वेश्चन करा दिए कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें बता दिए, मेरे वही क्वेश्चन करा दूंगा मैं। टाइप मैंने सारी बताई है, करते हैं इसके आगे और टाइप है वह उनकी एक एक वीडियो बना दूंगा। इनमें देख लो पहला बढ़िया।